दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS24 इंडिया में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो है, सरलीकरण का, हम उसे आगे चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है हमारी स्क्रीन पर कि 561 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिले, तो इसमें बी का भाग कितना होगा। देखिए, ये कह रहा है 561 रुपये को ए बी सी में वितरित करना, ठीक है। किस प्रकार वितरित करना कि ए को 120 से 120 अधिक, तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 20 से 120 रुपये अधिक, ठीक है, तथा सी से 120 कम, और कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 120, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से वी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है, और अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसने कहा था कि 561 रुपये को ए बी सी में बांटना है, तो ए प्लस वी प्लस सी, इन तीनों को 561 रुपये, ठीक है, इनका सम 561 रुपये हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से वी की वैल्यू रखते हैं तो हम रखेंगे ए माइनस 120, और सी की रखते हैं तो हम रखेंगे ए प्लस 120, ठीक है, तो 561। अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 3a हो जाता है 561। अब हम इसे 3 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 ही का ना 3, ठीक है, 3 8 24, ठीक है, और 3 7 21, तो हमारे पास a की वैल्यू 8187 187 रुपये आ जाती है। अब अगर हम इस a की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो सिंपल हमें v की वैल्यू मिल जाती है, कितना, हम यहाँ पर रखते हैं a की वैल्यू 187 और हम इसमें से 120, ठीक है, तो अगर हम इसे घटाते हैं तो ये बचता, तो 67 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है हमारे पास, एक टंकी जो है 12 बाल्टी के पानी से भर जाती है, ठीक है, 12 बाल्टी के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम टंकी में जो टोटल पानी आता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, 12 बाल्टी से भर जाती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5 लीटर, तो इसका मतलब टोटल जो हमारे पास पानी होगा वो इतना होगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12 5 60 और 12 3 36 और 6 42 और 12 1 12 और 4 16, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 162, ठीक है, 162 लीटर हमारी जो टंकी की जो धारिता आती है वो कितनी आती, टंकी का जो टोटल वॉल्यूम आ जाता, बाल्टी का जो टोटल वॉल्यूम आ जाता है वो 162 लीटर आ जाता है, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसी टंकी को 9 लीटर वाली क्षमता ली कितनी बाल्टी से भरना, ठीक है, तो जो 162 लीटर पानी आता है, ठीक है, और 9 लीटर क्षमता की बाल्टी से भरना है तो उसे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो 9 1 9, ठीक है, और 9 8 72, तो यानी हमारी जो 18 बाल्टियाँ होंगी, 18 बाल्टियों की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। देखिए, ये क्या दिखाया, नक्शे में, ठीक है, नॉर्मली नक्शे में जो हम डिस्टेंस मान लेते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर जो हमने 10 किलोमीटर को व्यक्त कर दी, कितना, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को हमने कितना 10 किलोमीटर मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है, यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है, 82.5 है, 82.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 82.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता, सबसे पहले तो हम यहाँ से ये जो हमने ये लिखा है 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर, तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर हमने किसके बराबर माना, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम इसके बटे में डाल देते हैं अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 5 × 10 यानी 20 किलोमीटर,
वैसे भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि जब आधा सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है तो एक सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 10 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो 82.85 किलोमीटर अगर हमें निकालना है, 82.5 सेंटीमीटर हमें निकालना है। देखिए, जब एक सेंटीमीटर हमारा 20 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, ये तो हमारा यहाँ से अगर हम 82.5, तो देखिए यहाँ से हमारा जो बराबर हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 1 = 5 और 2 × 8 = 16, ठीक है, तो टोटल 165 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए इसे, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम शेष भाग निकाल लेते हैं। शेष भाग हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल भाग एक होता है और इसमें से हमारे पास 4/9 भाग इनने दे रखा है, ठीक है, तो हमारे पास भाग कितना बचा, 9 × 9 यानी 5/4 भाग हमारे पास बचा। तो शेष जो भाग है हमारे पास ये है 5/4, इस तरीके से हम शेष भाग निकाल लेते हैं। अब देखिए, जब 4/9 भाग भरने में 1 मिनट लगता, ठीक है, तो हमारे पास टोटल अगर हम एक भाग की बात करें तो हम 9 इधर को और 4 इधर को, ठीक है, ये हम, तो अब ये एक भाग हो गया, कितना हो गया भाग, एक भाग, एक भाग भरने में इतने मिनट लगेंगे और हमें कितना 5/4 भाग भरना, 5/4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 5/4 से हम इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास 5/4 भाग भरने में कितना लगा, 9 × 5 = 45 और 4 × 4 = 16, ये हमारे पास मिनट लगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारे पास, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास 9 था, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जहाँ हमने 4 किया था यहाँ पर हमने 9 कर दिया, ठीक है, तो हमने 9 से 9 काट दिया, तो अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बेटा 5/4, ठीक है, इतने मिनट। अब देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, तो ये टोटल हमारे पास एक भाग होता है, इसमें इतना भाग हमारे पास दे रखा, तो हमारे पास शेष भाग कितना बचा, 5/9, ठीक है, तो पहले हमने शेष भाग निकाल लिया, अब ये कह रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, जब हमारे पास 4/9 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगता है, तो हमारे पास टोटल एक भाग को अगर हम भरेंगे तो, ठीक है, उसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी 9/4 मिनट लगेंगे, और 5/9 भाग भरने में हमने दोनों साइड 5/9 से मल्टीप्लाई कर दी तो 5/4 मिनट लगेंगे। ठीक है, आप इसे और भी किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास इसे डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 4 ऐसा हम लिख सकते हैं, 4 × 4 एक मिनट, ठीक है, प्लस हमारे पास 1/4 बचेगा, तो ये अगर हम इसे सेकंड बनाएंगे तो हम मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 4 × 4 = 20, तो ये हो गए सेकंड, तो यानी हमारे पास 1 मिनट और कितने 15 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, 5/4 का मतलब, 5/4 मिनट का मतलब 1 मिनट 15 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के, 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, ठीक है, सभी बराबर हैं, ए का भाग कितना है। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो हमें दे रखा है कितना, 600, क्योंकि ए बी सी को 600, ए बी बी और सी में 600 रुपये बांटना है, तो उसका मतलब तीनों का सम 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, ए के भाग, ए के कितने भाग, ये कह रहा है ए के भाग के 2/5 से, ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, ठीक है, ये कह रहा है ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से, बी का जो भाग है, ठीक है, बी के भाग के 2/7 से कितना, 20 अधिक,
ठीक। और तीसरा ये कह रहा है सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, यानी सी के भाग के 9/17 से कितने 10 अधिक बराबर हैं, ठीक है, चाहे बराबर है, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये सब बराबर हैं तो हम मान लेते हैं इन सबके बराबर को के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ए गुणा 2a से 5 इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 40 और इसे हम के बराबर, ठीक है, मान लेते हैं। इसी तरीके से ये जो हम अगर हम यहाँ से हमारी के की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाती है, ठीक है, देखिए निकाल लेते हैं ए इधर को हम इसे के माइनस के 40 करेंगे, ठीक है, और ये हमारा 5 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें ए की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से निकाल ली हमने ए की वैल्यू। इसी तरीके से हम अगर इसे वी गुणा 2/7 प्लस 20 को अगर हम के बराबर मान, क्योंकि सब बराबर है ना, तो हम इसे भी के बराबर ही मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई वो के माइनस 20 और ये 7/2, ठीक है। और ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सी इंटू 19 इंटू 17 और प्लस 10 इज इक्वल टू, इसे भी हम के बराबर, तो हमारे यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के माइनस के 10 और ये हमारे पास 17/9, ठीक है। इस तरीके से हमने ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हमें क्या करना, हमें इन तीनों की वैल्यू को यहाँ रख देना, ठीक है। जब हम यहाँ रख देते हैं इस तीनों की वैल्यू को, तो देखिए हमारा क्या मिलता है, हम सबसे पहले ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू हम ये रख देते हैं के माइनस के 14 और 5/2, ठीक है। प्लस हम बी की वैल्यू रख देते हैं के माइनस के 20 और 7/2, ठीक है, और ये के माइनस के 10 और 17/9, ठीक है, और ये टोटल 600, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम हर को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें 9 है ना, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे करें तो यहाँ 18 हो जाएगा। इस तरीके से 9 से ऊपर कर दें, 2 से 9 से नीचे तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 करना है हमें, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि अगर मैं के माइनस के 14 और यहाँ पर अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 45, ठीक है, 9×5 45 और नीचे कितना हो जाएगा 18। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 9×7 63 और ये हो जाएगा 9×2 18। और अगर मैं यहाँ पे के माइनस के 10 और यहाँ पे अगर 2 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 4×34 और ये हो जाएगा 18 और ये हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ से 18 18 हमारा अंश बराबर हो गया, हर बराबर हो गया, तो हम 18 को क्या करेंगे, 18 का हम क्या कर लेंगे, देखिए हम यहाँ से सिंपल सा 1/18 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास के माइनस के 40×45 प्लस के माइनस के 20 और ये 63 और प्लस के माइनस के 10 और ये हमारे पास 34, ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाता है टोटल, ये मेरा 600 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अभी हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 1/18, ठीक है, इसकी हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर हम 45 की कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 की कैसे करेंगे और 34 की कैसे करेंगे, तो हमारे पास टोटल 140 के आ जाएगा, ठीक है, के वाले हम जोड़ लेंगे। और देखिए चूंकि ये सब माइनस माइनस में है तो माइनस में जो आ जाएगा हमारे पास वो 3400 आ जाएगा, क्योंकि 45 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 की 20 से और 34 की 10 से, तो हमारे पास 3400 आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 600 हो जाएगा। अब हम इसे 18 को इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 142 के और ये 3400 और इधर हम इधर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है, 18×108 और देखिए ये हमारे पास 20 लग जाएंगे। अब अगर हम के की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो सिंपल जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी वो 100 आ जाएगी, ठीक है, जब हमारे पास के की वैल्यू 100 आ जाती है। अब ये कह रहे हैं कि ए का भाग हमें निकालना है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम के की वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ये जो हमने ये वाली
हमने इक्वेशन निकाली है, हमने इसी इक्वेशन में क्या करते थे, के की वैल्यू रख लेते हैं, के की वैल्यू हम 100 रखेंगे, जो 100 रखेंगे और 40 उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 60 बचेगा, ठीक है, और 60 अपॉन 5 बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास 30 और 3 × 5 = 15, यानी 150 हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 150, ए की वैल्यू हमारे पास 150 हो, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 150, इधर लिख लेते हैं 150, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए का भाग उसने पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, देख लेते हैं, ये कह रहा है एक किसान अपनी एन गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की ये ठीक है, पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन, 1/4 गाय, ठीक है, तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय, ठीक है, तथा चौथे पुत्र को 7 गाय, ठीक है, मिलती हैं हमें, यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, n की जो, देखिए कह रहा है कि टोटल हमारे एक n गायें हैं, ठीक है, और वो अपने 4 पुत्रों में बांट रहा है उसे, पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, मतलब n y 2, ये किसको, पहले पुत्र को, ठीक है, ये पहले पुत्र को दे देता आपने, ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले पुत्र तथा दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें, जो दूसरा पुत्र है इसे पूरे झुंड की कितनी, 1/4 गायें, ठीक है, तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की कितनी, 1/5 गायें, ठीक है, तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो 1 प्लस दूसरा पुत्र प्लस ये जो तीसरा पुत्र और प्लस चौथा पुत्र, ठीक है, ये टोटल जो किसके बराबर होगा वैल्यू, n के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि चारों पुत्रों के पास n गायें हैं, अब पहला जो पुत्र है ये ny2, दूसरा जो पुत्र है ये ny4, तीसरा जो पुत्र है वो ny5 और चौथे पुत्र को 7, और यहाँ से ये n आ जाएगा, ठीक है, अब इसकी देखिए हम क्या करते हैं, इसका सिंपल से हम इसका हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका लासा ले लेते हैं, ठीक है, तो हम सबको बराबर कर लेते हैं, बराबर नीचे वाले अगर हम अंश को हर को बराबर कर लेते हैं थोड़ा इजी हो जाता है, तो देखिए किस तरीके से बराबर करते हैं, अगर हम ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा, यहाँ 5 से कर दें या 4 से कर दें तो ये भी 20 हो जाएगा, और अगर हम 10 से कर दें, यहाँ से 10 से कर दें तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 और 20, ठीक, और ये 5 और 20, और ये 4 और 20, ठीक है, और ये हमारे पास 7, हम चलिए ऐसे लिखा है इधर को ले जाते हैं, ठीक, अभी हम इसका क्या करते हैं, अब हमारे पास 20 सिंपल सा कॉमन आ रहा है, और अभी हमारा 10, 5, 15 और 4, 19 n, ठीक है, और n माइनस के 7, ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 20 इधर ले जाते हैं, जब 20 इधर लेके जाते हैं हम, तो ये हमारे पास 20 n हो जाता है, और ये 2 × 7 = 14, 140 हो जाता है, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी 20 में से एक घटेगा, यानी n बराबर 140, ठीक है, तो n की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 140 के बराबर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या करना है, 1050 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5, ठीक है, देखिए ए को बी तथा सी का योग, तो पहले बी और सी का योग कर दिया हमने, और इस योग का कितना, 2/5,
कितना, 2/5, ठीक है ठीक है। तथा बी को ए और सी के योग का, अब जो बी है इसे ए और सी के योग का कितना 3/7 प्राप्त हो, तो सी का भाग कितना है यहाँ पर हम एक, ठीक है ए प्लस वी प्लस सी जो हमारे पास कितना टोटल 1050 इन्होंने दे रखा है, ठीक है ए 1050 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करना है, इसका मतलब 1050 ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए और सॉरी 5/2 और ये कहेगी वी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इधर से हम ए प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यानी ये 3/7 ये ए प्लस सी के बराबर हो जाएगी। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में ये रख देते हैं, हम पहले बी प्लस सी रख लेते हैं, जब हम बी प्लस सी रखेंगे यहाँ से ए प्लस और बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/A × 5/2, ठीक है ये हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, और हम यहाँ से बराबर जो हो जाएगा वो ये 1050 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बी प्लस सी की वैल्यू ये रख दी, ठीक है। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 9 यानी 7/2, ठीक है 1050। अब ये इसे डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मालूम है कितना हो जाएगा 0, 2, 5, 10 और 1 यानी 2100 हो जाएगा, ठीक है। अब 2100 और अपॉन 7 तो 7 × 21 तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ए की कितनी आ जाएगी वो 300 आ जाएगी, ठीक है जो हमारे पास ए की वैल्यू 300 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो ये निकाली है ए प्लस सी की वैल्यू अब हम यहाँ रख देते हैं, तो जब हम इसमें अब ए प्लस सी की वैल्यू रखेंगे कितनी 2 × 3/7 और प्लस बी और ये 1050, ठीक है। अब हम यहाँ से बी का कॉमन ले लेते हैं, 7 × 3 = 10/7, ठीक है और ये हमारे पास 50, ठीक है ये से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम 105 × 7 यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7×5 = 35, ठीक है और 7 × 7, ठीक है इतना हो जाएगा हमारे पास 735, V की वैल्यू हमारे पास 735 हो जाएगी। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी, सॉरी ठीक है ठीक है, तो यहाँ से हमने B की वैल्यू भी निकाल ली, अब हम यहाँ पर C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले A की वैल्यू रख देते हैं 300, B की वैल्यू रख देते हैं 735 और C निकालना हमें 1050, ठीक है C इधर आ जाता है और ये हम इधर को ले जाते हैं, तो ये हमारे पास कितना है 1000, यानी कितना हो जाएगा ये 1035, तो 1050 में से 1035 हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 15 बचेगा। तो हमारे पास देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ये 3/7 है, तो जब हम यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, यानी ये हमारा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस सी की जो वैल्यू है हमारे पास 7/3 और v है, ना कि ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ये जो हमने वैल्यू रखी है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 7/3 रखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 10V/3 के बराबर हो जाएगा, और अब ये हमारे पास जो होगा ये कि ना हो के ये हमारे पास ये, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 315, ठीक है ये हमारे पास बी की वैल्यू 315 हो जाएगी। जब 315 हो जाएगी तो हम यहाँ पर 315 रखेंगे, अब ये टोटल 615 हमारे पास हो जाता है, और 615 जब इसमें से हम घटाएंगे 1050 में से, ठीक है तो ये जो मेरे पास 435 हो जाएगा, 435 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1050, ठीक है और हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो हमने बी प्लस सी की वैल्यू निकाली 5/2 और हमने ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकाली 7/3। अब ठीक है हमने इन दोनों वैल्यू से एक एक बार इसमें रख के बी प्लस सी की वैल्यू रख के हमने ए की वैल्यू निकाल ली 300 और ए प्लस सी की वैल्यू रख के हमने यहाँ से
सी की वैल्यू निकाल, ए की, बी की वैल्यू निकाल ली कितनी, 315। ठीक है, जब 315 अब ए प्लस बी की वैल्यू जो हमने इसमें पुट करी तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है, वो कितनी हो जाती है, 435। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष बची संपत्ति का एक तिहाई अपनी पुत्री को दिया, यदि पुत्री को उतने मिले तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, ठीक है, तो मान लीजिए टोटल संपत्ति कितनी हो गई, एक्स मान ली। ठीक है, टोटल जो उसकी संपत्ति हो गई कितनी हो गई, हमने एक्स मान ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, पत्नी को क्या किया उसने, आधा भाग दे दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है तथा बाकी बची संपत्ति का आधा भाग, बाकी बची संपत्ति आधी हमारे पास, बाकी बची संपत्ति आधी बची होगी। ठीक है, तो इस संपत्ति का जो बाकी बची संपत्ति है इसका भी जो आधा भाग है यानी 1/2 भाग वो किसे, अपने पुत्र को दे दिया उसने, किसे दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है, पुत्र को दे दिया x अपॉन 4। ठीक है, अब ये कह रहा है तथा शेष संपत्ति का, अब देखिए टोटल हमारे पास जो शेष संपत्ति बची वो कितनी बची, अब देखिए तो एक्स वाई टू, अब उसने अपनी पत्नी को दिया और पुत्र को दिया एक्स वाई चार। अब ये जब एक्स में साहब ये दोनों भाग घटाएंगे एक्स वाई टू और एक्स वाई चार, ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, इसे 2 से बराबर 200 पर मल्टीप्लाई की, 2 से नीचे 4, अब ठीक है सिंपल ये क्या हो जाएगा 3x/4, तो ये x/4। ठीक है, इतना भाग शेष बचेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अब शेष संपत्ति का एक तिहाई अपनी पुत्री को दे दिया, तो शेष संपत्ति x/4 बची और इसका एक तिहाई किसे दे दिया, ने अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक है, दिया, ठीक है, और पुत्री को फिर कितना दिया, 125,000 रुपये मिले। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है x और 4 × 12 वो कितने मिले, 125,000। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए 125 × 12, अब इसकी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 12×5=60। ठीक है, और 12×2=24 और 6×30। ठीक है, और 12 × 12 = 3=15, ये हमारे पास, ठीक है, इतना आ जाता एक्स की वैल्यू। अब देखिए जब टोटल एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, अब ये निकलवा कह रहा है, ये कह रहा है उसकी सारी संपत्ति का मूल्य, ठीक है, यही निकलवा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 1,500,000, ये कितना, 1,500,000 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे लिख दो 1,500,000। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा भाग तथा एक सेब पहले ग्राहक को दे देता है। ठीक है, मान लीजिए पहला ग्राहक है हमारे पास, ठीक है, ये पहला ग्राहक है। अब टोटल इसके पास मान लीजिए कि कुल जो टोटल जो उसके पास कुल जो सेब थे वो एक्स थे। ठीक है, एक्स मान लिए, ठीक है, ये कुल हमने सेब मान लिए। अब क्या है, ये कह रहा है कि जो एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा, ठीक है, यानी x/4 और प्लस x/2, ठीक है, आधा यानी x/2 प्लस एक सेब, ये पहले ग्राहक को दे देता है। ठीक है, तथा अब इसके पास हमें ये जो हमारे पास इतना दे दिया, तो अब शेष कितना बचा, देखिए शेष x में से अगर आप इसे घटाएंगे तो शेष अब ये बचा। ठीक है, अब ये शेष बचा है ना, तो अब ये जो शेष बचा, ये कह रहा है आगे को, ये कह रहा है शेष का 1/3, शेष का शेष ये बचा और इसका 1/3 तथा एक सेब, ये किसे देता, दूसरे ग्राहक को दे देता। ठीक है, अब ये कह रहा था शेष का 1/5, अब जो शेष बचा, देखिए अब हमारे इसके पास शेष क्या बचा ये देखना है आपको, टोटल जो आपके पास भाग था वो x था। ठीक, आपने इस x में से x/2 ये तो दे दिया पहले ग्राहक को, अब आपके पास शेष ये बचा यानी ये बचा था, इसे आप सोल्व करेंगे तो यही आएगा यानी ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटा देते हैं टोटल, जब आप ये घटाते हैं इसमें से x/2 1
वन बाई थ्री और माइनस, अब टोटल शेष ये बचा, तो जो सॉल्व कर लेते हैं पहले एक्स वाई टू, ठीक है, ये हमारे पास माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं एक्स माइनस के टू और अपॉन ये दो तीन छः हो जाएगा, ठीक है, सो और सॉल्व कर लो, सो और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं, तो हम इसे पहले ब्रैकेट में इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी, इसे हम एक्स वटा टू और यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, ठीक है, इसके बराबर से, और इसे दो को यहाँ लिख लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए पहले इन्हें बराबर कर लेते हैं, तीन से ऊपर करेंगे तीन से नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन सिक्स और ये हमारे पास x माइनस के टू वाई सिक्स, ठीक है, और ये ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं छः थ्री एक्स माइनस एक्स और प्लस टू, ठीक है, और ये टू आ जाता। अब ये देखिए ये कितना बचा, टू एक्स बचा और ये प्लस टू बचा और इसे लिया छः दुनी बारह और ये छः, ठीक है, तो ये आ गया टू एक्स टेन अपॉन सिक्स, ठीक है, अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन फाइव थ्री, ये जो बचा टोटल शेष बचा। अब ये जो टोटल शेष बचा इसका एक क्या करते हैं, ये तीसरे ग्राहक को ये शेष तीसरे ग्राहक को क्या करता है, इसका एक बटा पाँच भाग तथा एक सेब, ठीक है, ये तीसरे ग्राहक को बेचता है, ठीक है, और उसके बाद उसके पास तीन सेब बच जाते हैं, मतलब इन सब के बाद भी उसके पास क्या होते हैं, तीन सेब बच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो अब जो इस अब जो ये टोटल है, यानी इसमें से x माइनस फाइव में से जब आप ये घटाएंगे, ठीक है, यानी ये x माइनस फाइव बाई थ्री वन अपॉन फाइव प्लस वन, ठीक है, इसमें से ये जो है और इसमें से आप अगर इसे घटाएंगे, यानी जो लास्ट में शेष बच रहा था, तो टोटल जो शेप बचे वो तीन से बचे, ठीक है, एक तो तरीका तो उसका ये है, ठीक है, पहले इसी से कर लेते हैं, देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, पाँच से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और पाँच से नीचे, देखिए अब ये बराबर हो गए, तो अब हम यहाँ से सिंपल 515 का कॉमन ले लेते हैं और ये हमारे पास 5x और ये 25, ठीक है, और यहाँ पे ये x और ये प्लस के 5, ठीक है, और ये इधर को ले जाते हैं तो हमारे पास 2 बचता, इसे इधर ले जाते हैं 15 धुनी 30 और ये हमारे पास 4x, ठीक है, 4x और ये माइनस के 20 और ये 15 धुनी 30, तो 4x इज इक्वल टू 50, ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, देखिए ये जो होगा हमारे पास थोड़ा सा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा ही ये वाला पूरा इसमें से हम घटाएंगे इसमें से, तभी तो हमारे पास शेष बचेगा, यानी ये वाला हम ब्रैकेट लगाना भूल गए थे ये, ठीक है, अब क्या होगा कि ये देखिए ये जो हमारे पास 5 है ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये जो मेरे पास 30 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, देखिए यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लेते हैं दोबारा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, x अपॉन 5, ठीक है, ये 5 और ये हमारे पास x माइनस के 5 और ये 15, ठीक है, और ये हो जाता है यहाँ से 3 और 1 4, ठीक है, अब इसे जो इधर ले जाते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x 5 5 25, ठीक है, ये x और ये प्लस के 5, ठीक है, और ये इधर को ले 15 चौक 60, अब ये जो हो जाता है हमारे पास 4x और ये हो जाता है माइनस के 20 और ये आ जाता है 60, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 80 और यहाँ से ऐसे काटेंगे आप 4 धुनी 8, तो ये हो जाता है x बराबर 20, ठीक है, x बराबर 20 हो जाता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, देखिए पहले को इतना यानी आधा और प्लस एक सेब, अब जो शेष बचेगा हमारे पास वो शेष ये बचेगा, तो दूसरे को ये उसका एक बटा तिहाई और प्लस एक सेब, अब जो तीसरा शेष बचेगा ये टोटल इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, और इसका एक बटा पाँच प्लस एक सेब ये दे देता है तीसरे को, अब क्या करता है उसके बाद उसके पास तीन सेब बचते हैं, यानी ये वाला अगर घटा देंगे काय में से इसमें से, ठीक है, जो हमारे पास ये बचा था पहले शेष एक्स माइनस फाइव और अपॉन थ्री, ये हमारे पास शेष बचा था लास्ट में, तो इस शेष में से अगर ये पूरा घटा देंगे, देखिए हमने पूरा घटा दिया ये, ठीक है, जब हमने पूरा घटा दिया तो अब जो हमारे पास हम इसे सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आता है 20, तो कुल उसके पास कितने शेष थे 20
सेब थे, ठीक है, कुल उसके पास 20 सेब थे, ठीक है। या अगर हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, ये थोड़ा सा यहाँ से देखिए, हमने इसकी जब कैलकुलेशन करी तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा YouTube चैनल देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, धन्यवाद।